नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, क्योंकि गर्मियों का दिन आ गया है तो अच्छा है कि हम घर में कुछ बनाकर खिलाएं। तो ये लिया है मैंने तरबूजा, वाटरमेलन भी कहते हैं। कट कर लेंगे हम पहले इस तरह से। थोड़ा साइड में रखते हैं और इस तरह से कट कर लेते हैं। सारा पल्प हम निकाल लेंगे काट कर इस तरह से। इस तरह से दोस्तों कट कर लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाता है और ये बहुत अच्छा तरीका है काट कर निकालने का इस तरह से। ये देखिए सारा गूदा हमने निकाल लिया। अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार इस तरह से और सारे तरबूजे को हम इसी में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, पीसकर महीन सा हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो पीस लिया है दोस्तों मैंने इस तरह से, बिल्कुल बहुत बढ़िया सा तैयार हुआ है हमारा पल्प। सारा हम इस तरह से छान लेंगे और इसका जो जूस है वो हम बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से चलाते हुए सारा जूस निकाल लेंगे। तो सारा जूस हमने स्ट्रेन कर लिया है दोस्तों, छान लिया है अच्छे से। अब हम साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 टेबलस्पून चीनी, शुगर जिसे कहते हैं, मिला लेंगे अच्छे से। और मिला लिया है मैंने अच्छे से चीनी को भी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, ये देखिए इतना सा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, ये टेस्ट बहुत अच्छा लेकर आता है इस तरह से मिला लेने से। और बिल्कुल नेचुरल सी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार होगी जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इस तरह से मैंने लिया है ये कॉफ़ी वाला गिलास जो आता है, आप चाहें तो आइसक्रीम वाला मोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन इजली ये बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से हम भर लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा खाली रखेंगे हम। और इसी तरह से सारे गिलास में मैं पहले भर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने 6 गिलास में निकाल लिया है इस तरह से। इसके ऊपर लगा देंगे हम ये सिल्वर पेपर, तो एक एक करके लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से बंद कर देंगे सारे में, इसी तरह से हम लगा लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए ताकि आगे के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। तो सारे गिलास के ऊपर मैंने पेपर लगा दिया है और इस तरह से थोड़ा सा कट करेंगे इस तरह से। और ये जो स्टिक होती है आइसक्रीम वाली वो हम इस तरह से लगा देंगे। और सारे गिलास के ऊपर इसी तरह से हमने लगा देना है। तो दोस्तों सारी स्टिक मैंने लगा दिया है और अब हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम जाए। मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो दोस्तों आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है हमारी, खोल कर हम इस तरह से देख लेते हैं। तो देखिए आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है और इस तरह से आराम से निकल जाएगा, निकाल लेंगे हम। दोस्तों बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए कितनी लाजवाब आइसक्रीम बनी है और बिल्कुल हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी देखने में भी लग रही है। तो मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ सारी आइसक्रीम इसी तरह से। तो ये देखिए वाटरमेलन आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है और सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर मैंने तैयार किया है।
दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।